अवैध असलहों के साथ एसओजी ने पकड़ी अवैध सशस्त्र फैक्ट्री। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। कौशाम्बी से आगामी चुनाव में डर फैलाने के लिए बनाए जा रहे थे अवैध असलहे। मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम व पश्चिम सरीरा पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस टीम ने मौके से 13 तमंचे, एक रिवाल्वर, जिंदा कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण किए बरामद। टीम ने दो अभियुक्तों को भी मौके से किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। एसएपी ब्रजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिले में चल रहा अपराधियों की धरपकड़ का अभियान। पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के पूरब सराव में चल रही थी अवैध शस्त्र फैक्ट्री। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मानचंद्र मौर्य, प्रयागराज मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। एक सटीक सूचना के आधार पर थाना पश्चिम सरीरा की टीम और एसओजी प्रभारी और उनकी टीम ने, ये ग्राम पूरब सरावा है, यहाँ एक बाघ है, वहाँ दबिश दी गई थी। यहाँ से दो लोग शिवपूजन यादव और गजेंद्र सोनकर गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से काफ़ी भारी मात्रा में अर्धनिर्मित, पूर्ण निर्मित असलहे बरामद किए गए और जो शस्त्र बनाने की फैक्ट्री है उसका जो सामान है वो भारी मात्रा में बरामद किया गया। इनके पास से 6 तमंचा 315 बोर, एक 32 बोर का रिवाल्वर, 3 तमंचा 12 बोर जो चालू हालत में है, अर्धनिर्मित 3 तमंचा 12 बोर, अर्धनिर्मित 1 तमंचा 315 बोर, कुल 14 आदद असलहे और खोखा और खाली का जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये काफ़ी दिनों से इस काम में सक्रिय थे। अभी जो हम लोगों ने एक अभियान चलाया है उसके अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। ये बिल्कुल आगामी दिनों में नगर निगम के चुनाव हैं और वर्तमान में भी परिस्थितियाँ जिस ढंग से टेंस है उसको देखते हुए ये कार्य हो रहा था, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि इसको हम लोग रख सकते हैं।